चाणक्य के समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है उत्तर भारत में असामान्य कोहरा। इस विषय के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, उसके बाद हम ये जानेंगे कि इस तरह की परिस्थिति किस प्रकार बनी है और पहले क्या स्थिति या परिस्थिति होती थी और ये चीज़ें किस तरीके से सामान्य हैं या असामान्य हैं। इन सारी ही चीज़ों पर हम बात करेंगे। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि कोहरा और कुहासे में फ़र्क क्या होता है और ये होते क्या क्या हैं। तो चलिए इस विषय के बारे में विस्तार से अब बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। पिछले दो महीनों के दौरान यानी कि जनवरी और फरवरी महीने के दौरान दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में शून्य दृश्यता और घने कोहरे के साथ ठंडे मौसम की स्थिति बनी हुई थी। ये स्थिति वैसे इस मौसम में होती है, लेकिन इस बार इसमें कुछ चीज़ें असामान्य थी। इसके कारण बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं हुई और लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई। इस तीव्र कोहरे के पीछे क्या है जो इस मौसम में कई दिनों तक बना रहा है, इसी पर ये हम बात करेंगे और इसी वजह से ये विषय चर्चा में भी है। ये जो घटना जिसका अभी हमने जिक्र किया, ये घटना असामान्य क्यों है? उत्तर भारत के अंदर जनवरी और फरवरी के अंदर कोहरे की स्थिति सामान्य होती है, लेकिन इस तरीके की स्थिति फरवरी में सामान्य नहीं होती है और फरवरी के खासकर पहले हफ्ते के बाद ये स्थिति सामान्य नहीं होती है। इस बार ये पाया गया कि फरवरी का पहला हफ्ता गुजर जाने के बाद भी कोहरे का सामना लोगों को करना पड़ा और ये स्थिति गंगा के मैदानी इलाकों में तो होती ही नहीं थी फरवरी के महीने में, वहाँ पर भी इस घटना को देखा गया। इस वजह से ये असामान्य घटना कही जा रही है। इस घटना के दौरान कुछ चीज़ें हुई हैं जो इसे असामान्य बनाती हैं, जैसे कि सुबह 7 से 10:30 के बीच में, यानी कि हम फरवरी महीने की बात कर रहे हैं, फरवरी महीने में 7 से 10:30 के बीच कोहरे की लंबी स्थिति दर्ज की गई और खासकर ऐसा अमृतसर एयरपोर्ट पंजाब में देखा गया, जो कि पहले फरवरी के महीने में नहीं देखा जाता था। दूसरी जो चीज़ें इसमें देखी गई, वो देखी गई कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली बेल्ट से घने कोहरे की स्थिति के साथ शून्य दृश्यता का बढ़ना भी इसका एक कारण है, मतलब कि शून्य दृश्यता का भौगोलिक विस्तार इसमें देखा गया। तीसरी जो इसमें चीज़ देखी गई कि 9 से 10 दिनों तक बहुत घने कोहरे का समय, क्योंकि ऐसी स्थितियां फरवरी के पहले सप्ताह में 2 या 3 दिन तक ही रहती है, लेकिन इसको फरवरी में ही 10 से 12 दिनों तक लगातार देखा गया और ये 19 फरवरी तक देखा गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि फरवरी में कितने दिनों के लिए कोहरे की सूचना मिली है, यानी कि फरवरी में कितने दिनों तक कोहरा देखा गया है। कोहरे पर हवाई अड्डों के आंकड़े ये बताते हैं कि अमृतसर हवाई अड्डे पर 12 रातों और 12 दिनों के लिए कोहरा बहुत घना था और फरवरी में ये आंकड़े 19 फरवरी तक के हैं और इस 19 दिनों में लगभग 12 रातें और 12 दिन ऐसे थे जिनमें कुल 156 घंटे कोहरे की स्थिति बनी रही। ये आंकड़ा है अमृतसर हवाई अड्डे का और फरवरी महीने का, जिसमें पूरे महीने में 10 से 12 दिनों में 156 घंटे तक कोहरे की स्थिति देखी गई। लेकिन फरवरी के कंपैरिजन में अगर हम पिछले सालों के फरवरी महीने की बात करें तो इसी हवाई अड्डे पर ये कोहरे की स्थिति 3-4 दिन के लिए होती थी और इन 3-4 दिनों में भी 15 घंटे के बराबर ही कोहरे की स्थिति देखी जाती थी। उसके कंपैरिजन में इस साल 156 घंटे ये स्थिति देखी गई है। अगर हम इस फरवरी के महीने को जनवरी और दिसंबर के महीने से कंपेयर करें तो यही स्थिति जनवरी में 16 दिन और रातों में 110 घंटे देखी गई है और यही कोहरे की स्थिति दिसंबर के महीने में 161 घंटे देखी गई है, यानी कि ये जो फरवरी में कोहरे की स्थिति है वो स्थिति जनवरी से भी ज़्यादा है। ये एक असामान्य घटना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कोहरा होता क्या है। कोहरा सामान्य स्थिति के अंदर क्या होता है कि जब आर्द्र हवा ऊपर उठती है तो ऊपर उठकर वो ठंडी होती है और ठंडी होने के बाद जल वाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। ये सामान्य घटना है, लेकिन यही घटना अगर धरती के पास हो, यानी कि थोड़ा ही ऊंचाई पे हो, तब कोहरा उत्पन्न होता है।
कभी कभी अनुकूल परिस्थितियों में हवा के बिना ऊपर उठे ही जल वाष्प की बूंदें जो होती हैं, जल वाष्प जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है, तब हम इसे कोहरा कहते हैं। तकनीकी रूप से बूंदों के रूप में संघनित जल वाष्प के बादल को कोहरा कहा जाता है और यह वायुमंडल में जमीन की सतह से थोड़ा ही ऊपर घटित होता है। किसी घने कोहरे में दृश्यता 1 किलोमीटर से कम हो जाती है और इससे अधिक दूरी की स्थिति पर चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। यानी कि 1 किलोमीटर से ज्यादा आप कोहरे की स्थिति में देखने की कोशिश करेंगे तो वो चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि कोहरा बनता कैसे है। सापेक्ष आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी 100% होने पर हवा में जल वाष्प की मात्रा स्थिर हो जाती है। इसके अतिरिक्त जल वाष्प में शामिल होने से या तापमान के कम होने से संघनन शुरू हो जाता है। जल वाष्प से संघनित छोटी पानी की बूंदें वायुमंडल में कोहरे के रूप में फैल जाती हैं। अब हम ये जानेंगे कि स्मोग या धुंध क्या होता है। जब इसी कोहरे के अंदर धूल मिल जाती है, यानी कि धुएं के और धूल के कण इसमें जब मिल जाते हैं, तब यही फोग स्मोग में तब्दील हो जाता है। ऐसी घटनाएं हमें दिवाली के आसपास देखने को मिलती हैं। उस दौरान मौसम में आर्द्रता होती है, कोहरे की स्थिति भी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम नहीं होता लेकिन कोहरा होता है, और उसी कोहरे में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की समस्या की वजह से धुएं के कण मिल जाते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन की मात्रा भी, उस समय तो पॉल्यूशन तो हमेशा ही रहता है लेकिन उस समय आर्द्रता होने की वजह से वो पॉल्यूशन बाहर नहीं जा पाता दिल्ली से, एक जगह उस फॉग में मिल जाता है और स्मोग की स्थिति इससे उत्पन्न हो जाती है। इससे भी दृश्यता की स्थिति बन जाती है। यदि दृश्यता की सीमा 1 किलोमीटर या इससे कम हो तो उसे धुआं कहा जाता है। यानी कि 1 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो तो वो कोहरा होता है, 1 किलोमीटर या उससे कम की स्थिति इसमें धुंध में होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोहरा और कुहासे में अंतर क्या है, यानी कि फोग और स्मोग में क्या अंतर है। कोहरा और कुहासा दोनों हवा के निलंबित कणों पर जल की सूक्ष्म बूंदों से बने होते हैं। इनमें जल की सूक्ष्म बूंदों के घनत्व के कारण अंतर होता है। कुहासे की तुलना में कोहरे में जल की सूक्ष्म बूंदें अधिक होती हैं। ये देखा भी गया है कि जब कोहरा होता है और हम उस मौसम में बाहर निकलते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे कपड़े भीग गए हैं, तो उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है कंपेयर टू कुहासा। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। कोहरे की एक अन्य परिभाषा के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि कोहरे की स्थिति में दृश्यता 1000 मीटर से कम में रह जाती है। यानी कि 1000 मीटर से कम की दूरी पर हम देख नहीं पाते हैं। इस स्थिति में हवाई यातायात में तो कोई बाधा नहीं आती है लेकिन आम जनता और सड़कों पर चलने वाली जनता को इससे बहुत बाधा आती है, और यही दृश्यता की स्थिति जब 50 मीटर तक रह जाती है तो ये बहुत ही अवरोध उत्पन्न करने वाली स्थिति होती है। तो इस स्थिति के बारे में और इस विषय के बारे में हमने बात कर ली है, जितनी ज़रूरी बातें थी वो हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, जब आर्द्र हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है तब जल वाष्प संघनित होकर जल के सूक्ष्म बूंदें बनाती हैं। कभी कभी अनुकूल परिस्थितियों में हवा के बिना ऊपर उठे ही जल वाष्प जल की नन्ही बूंदों में बदल जाती है, तो हम इसे क्या कहते हैं। विकल्प ए कुहासा, विकल्प बी धुआं, विकल्प सी कोहरा, विकल्प डी वाष्प। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा। आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी। यानी कि विकल्प बी यानी कि कथन 2 इसमें सत्य है, कथन 1 असत्य है। ये आईपीसी की धारा 124(1) का कानून जो है 1770 में नहीं 1870 में भारत में आया था और इसको आईपीसी में जोड़ा गया था। आईपीसी तो 1860 में ही आ गया था लेकिन उसमें संशोधन करके 1870 में ये धारा 124 से भारतीय आईपीसी में जोड़ा गया था। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और सभी वीडियो के पीडीएफ्स
वहां पर उपलब्ध है और वहीं से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।